बातें नहीं सुन रहे हैं तो आप तो अलग अलग सुर में आप हैं। नहीं नहीं बोले ना, कह रहे हैं कि आप यादव हैं ना? बिल्कुल हैं, हम भी यादव हैं। अच्छा, नमस्कार प्रणाम, हम हैं गौतम, हमारे साथ मेरे भाई समर मौजूद हैं और हम लोग कल एक व्यस्तता के कारण काम में एक वीडियो ना ला पाए थे, है ना, अयांश के लेके, अयांश के पिताजी के लेके। आखिर अयांश के पिताजी ने क्या ऐसा बेतुकी बयान दे दिया जिससे अब लोग डोनेशन देना बंद कर दिए, है ना? तो अब आएंगे लाइन पे। क्या है कि समर अभी ना एक दिन पहले एक बिहार एक्सपोज वाले न्यूज वाले उसके घर गए थे, है ना? तो हम कहना चाहेंगे अगर घर गए थे तो इनके कहने पे ही गए। पहले भी अपना वीडियो में बोल चुके हैं कि आप आ जा सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं, हमारे गाँव यहाँ है, घर यहाँ है। और जब वो कलाकार घर जाता है तो फोन करते हैं अयांश के पापा, आप क्यों गए? अरे क्यों गए, बताना चाहिए था। अरे हमारा सिंह जो लगा हुआ है टाइटल ना, सिंह ना समझिए, हम यादव हैं। और आपके जो जीजा जी हैं वो भी हमारे करीबी ही हैं आपके चलते। जी जी बिल्कुल है। और आपको पता नहीं है शायद, आप सिंह के चलते कुछ और समझते होंगे, मतलब आप नहीं नहीं, अगर आप सिंह कह के अगर डिनोट कर रहे हैं कि कुछ और समझ रहे होंगे तो नहीं, आप अगर जातिवाद से जोड़ रहे हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि जिस समय पहली बार आपके दहलीज पे आकर रिपोर्ट किए थे उस समय भी हमको पता था कि आपके आगे सिंह लगा हुआ है, है ना? अभी आदम है। तो देखिए हम कहना चाहेंगे लोगों को कि जितना भी हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं तो क्या अयांश को उसके इस मुहिम में क्या सिर्फ यादव लोग ही पैसा दे रहे हैं? हम लोग शुरुआत से ही नहीं कर रहे थे ना, हम लोग तो जात पे गए ही नहीं कभी, कभी नहीं गए। और अगर जाति सपोर्ट करता तो जिंदगी में मैं बोलो 7 जन्म में नहीं इलाज करवा पाता। बिल्कुल नहीं, मेरा चैलेंज है क्योंकि आज अगर बिहार यूपी झारखंड या हिंदुस्तान के कोने कोने में सपोर्ट मिल रहा है, अयांश को पैसा मिल रहा है, लोग मदद कर रहे हैं, तो कोई जाति देख के नहीं, हर जातियों से मिल रहा है। लेकिन जो बयान अयांश के पिताजी दिए हैं हम कहेंगे ना कि थुकारने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेकार बयान है, समझदारी से काम लेना चाहिए था उनको, है ना? जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग किए हैं, हालांकि रिकॉर्डिंग भी मैं उनको डालूंगा, आप लोग साथ में बने रहिए, रिकॉर्डिंग में क्या बोले हैं देखिएगा। उनका कहना था कि भाई जो तुम सोच रहे हो हम है नहीं, हम भी तुम्हारे और रिश्तेदारी दूर जुड़ाने लगे। हाँ, बहनोई जी, पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष पत्रकारिता, पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष पत्रकारिता, मतलब निष्पक्ष का मतलब होता है किसी के पक्ष में नहीं। तो उनका कहना था कि तुम्हारा बहनोई जो दामाद है ना वो हमारा बढ़िया दोस्त है और तुम चले गए, बताना चाहिए था। मतलब उनको कहीं ना कहीं डर ये थी कि जो जो भी बातें हम रख रहे हैं पब्लिकली के सामने वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि हमारे अगर घर पहुंचेंगे तो हम माता पिताजी हैं और अच्छे से समझदारी नहीं, और हो सकता है तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे दाल में काला है, थोड़ा सा कहने आए हैं कि दाल में काला है, जरूर है। हाँ, लेकिन फिर से कहेंगे कि अगर अयांश के आज जहां तक मदद की सवाल है, जहां तक इलाज की सवाल है, तो उस इलाज के लिए हम लोग आज भी नहीं नकार रहे हैं इस वीडियो को। कुछ भी कला नहीं है, काहे कि बच्चे को सही में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे की तो तबीयत है गड़बड़। और मैं चाहूंगा इस मुहिम के जरिए कि लोग अगर कोई गलती किया है तो दंडी तुझे किया जाए। बिल्कुल, पापा को जो बोलना है बोलिए, बोले, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, जी अपना नाम तक नहीं जानता है बेचारा, उसका क्या गुनाह, 10 साल की उम्र है उसके पापा। और अगर लोग ऐसा कह रहा है, मैं बहुत सारे न्यूज पत्रकार कह रहे हैं, बहुत सारे लोग भी मीडिया वाले भी हैं वहाँ पे, तो मैं कहना चाहूंगा समर की एक बात मुझे बताओ कि अगर अयांश के पिताजी अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए कोर्ट में जाकर थाने में और जेल चले गए और कह रहे हैं कि अब तो लेकर नहीं भागेंगे पैसा, तो पैसा भागने के लिए जेल में रहें या बेल में रहें फर्क नहीं पड़ता है, पैसा लोग कैसे भी हड़प के, बिल्कुल इतने बड़े बड़े आदमी हड़प के भाग गए हैं, मतलब उसका जेल से कोई संबंध नहीं है। अगर लोग ऐसा मूर्ख बना रहे हैं आप लोगों को कि जेल में चलेंगे तो पैसा नहीं हड़पा जा सकता है, तो मैं कहूंगा कि जो भी पत्रकार गए उनके घर से पत्रकारिता कर रहे हो तो आंख और सारा छेद और कान खोलकर सुन लो, आंख से सुना नहीं जाता फिर भी कह रहे हैं कि सुन लो कि अगर ऑफलाइन मनी आ रहा है पैसा उसका भी जवाब इसका हिसाब हमको नहीं मिलता है, उसका हिसाब चाहिए। और मैं बता दूं कि हम मगहिया जवान से गौतम और अपना भाई समर है और हमारे मुहिम के जरिए 5 एपिसोड बनाया गया, हक बनता है कि हम भी हिसाब मांगे। और 5-1 लाख रुपया हमारे स्क्रीनशॉट से देखना जाकर तुम, 5-1 लाख रुपया मेरे मुहिम के जरिए गया है। और पता है क्या, हम अपना मुहिम भी चला रहे हैं अश्लीलता मुक्त भोजपुरी, और उससे भटक के हम अयांश पे वीडियो बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहना चाहेंगे लोगों को कि हमारा जितने भी समर्थक है हिसाब उन लोग मांगेगा और तुमको देना होगा चाहिए। जो आज अयांश के परिवार बने हुए घूर रहे हो, जो पत्रकारिता कर रहे हो और जो निष्पक्ष पत्रकार खुद को समझते हो, तो हम कहेंगे जवाब भी तुमको देना होगा, क्योंकि तुम्हारी बातों में आकर मैंने भी वीडियो बनाया है ना, और आज भी बना रहे हैं। इसमें हम किसी प्रकार के विरोध नहीं करने आए हैं, बच्चा का तबीयत वाकई में खराब है, वाकई में उन्हें सुई लगना चाहिए, है ना, बच्चा की सवाल है। और अगर
कितना ही बड़ा 420 है, हाँ, है ना, कितना ही बड़ा डिफॉल्टर है, आतंकवादी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम लोग आज डोनेशन दिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के, बच्चों को देख के दिए हैं, भगवान रूपी होता है बस यही देख के दिए, बच्चे को देख कर दिए हैं, तो हम कहेंगे कि जितने भी लोग हैं अगर कम हुआ है पैसा डोनेशन आना तो उसको कम मत कीजिए, हिसाब हम लेंगे। आपका भाई है, अगर एक मैं खबर देख रहा था एपिसोड, उसमें बोल रहा था एक लड़का कि अगर आयांश के पिताजी जेल जा सकते हैं, है ना, तो किसी को रूमर फैलाने वाला कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं हम लोग, है ना, कोई भी रूमर फैलाने वाला कुछ भी कर सकते हैं, तो मतलब गुंडा है वो, पिस्टल लहरा रहे हैं जे, 2015 का फोटो था उनका, तो मतलब गुंडा है, लाइसेंस से पिस्टल रहता है, क्या मतलब वो बताए हैं कहा कहीं की लाइसेंसी है, अरे भाई कोई ऊपर डाल के कुछ लिख देता है, चीजें देखिए जो गलत है वो गलत है, गलत का समर्थन हम नहीं करते हैं, बिल्कुल, जो गलत करेगा उसका तो भैया उसके बारे में गलत बोलेंगे और बजाएंगे, उसका बजाएंगे और बोलेंगे, लेकिन जो भी पत्रकार है और जो भी हमारा एपिसोड देख रहा है और जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भ्रमित हुए हैं और जो चीजें रूमर फैल रही है वो थोड़ा सा लोग शॉर्ट आउट हो, क्लियर हो, और बच्चे की जान बच पाए, बच्चे की जान बचे, हम भी आज भी मना नहीं कर रहे हैं, बच्चा दोषी नहीं है, आज भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये पैसा नहीं जाना चाहिए, डोनेशन बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ हमारी बात उनके मम्मी से हुई थी, मैंने बोला कि भाभी जी एक बात मुझे बताइए कि जो भैया बोले हैं कि जातिवाद वाला बात, हाँ, तो क्या सिर्फ यादव जात के हैं लोग आपकी मदद कर रहे हैं, इनका तो टाइटल सिंह लगा हुआ था, हाँ, ऐसे बिहार के हजारों कास्ट हैं जो सिंह लगाते हैं, तो फिर इन्होंने खुद की पैर पे खुद से कुल्हाड़ी क्यों मारा, बिल्कुल बिल्कुल, तो भाभी का कहना था तो बहुत बेहतरीन तरीके से करने आता है उनको, मतलब ये समझ में आ रहा है हम लोग, रिकॉर्ड सुने ना, रिकॉर्ड जो शुरू में चला, क्योंकि अगर यादव जाति सही है हमें तो यादव पे गर्व होना चाहिए, यादव रखिए ना, हाँ, क्या जरूरी है फिर बाद में क्यों बताएंगे आप, जब सिंह रखे हैं तो बाद में बताना ना पड़े, और आज जाति से बिलोंग करते हैं, आज इनका सपोर्ट मिलना कम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कारण है जातिवाद, भाभी ने कहा कि नहीं गलत वो किए हैं, तो अगर एक गलत से इतना निगेटिव मैसेज फैल सकता है तो समझिए कि आयांश के मात्र कम ही दिनों में है ना 7 करोड़ रुपया का इंतजाम हो चुका था, यानी 40% बिल्कुल, है ना 40-45% हो चुका था, तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि इस प्रकार के बयान ने आने वाले पैसे को रोक दिया है, उसका पूरा जवाबदार उनके पिता हैं आयांश के, और वो बच्चा है, बालक है, नादान है, भगवान है, तो हम कहेंगे कि उस बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों से गुजारिश है, और एक बहुत बड़ा सम्मान और मान की बात है बिहार की, क्योंकि ये बात आज पूरे हिंदुस्तान में पहुंच चुका है ना, तो कहेंगे कि अगर बच्चे को कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग शर्मसार होंगे, इतना मेहनत इतना करने के बाद भी बच्चे का जान ना बच सका, बिहार ना बच सका, है ना, बिहार ना बच सका, अगर बिहारी नहीं बचाए तो बिहार ना बच सका, 16 करोड़ का इंतजाम, तो प्लीज भ्रमित ना कीजिए, और हम आप लोगों से वादा करते हैं दोनों भाई इस स्क्रीन के जरिए कि हम उस सबको सबक सिखाएंगे जे आयांश के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, है ना, ये रोटियां सेक कर कितने पैसा कमाया, क्या कमाया, क्या हिसाब हुआ, वो सब लेंगे, क्योंकि हम पहले बोले थे ना हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, ना दलाल मीडिया है, ना आज तक वाले, ना एबीवीपी वाले, हम हैं निष्पक्ष बात रखने वाले, बिना किसी भी भेदभाव के, बिना भी किसी से भाईचारा निभाए हम बात को रखते हैं, क्योंकि उतना हम ताकत रखते हैं कि बाकी की होने वाली पीछे चीजें हम समझ लेंगे, है ना, तो ये सब चीजें हैं समर, और मैं कहूंगा कि लोगों को भ्रमित ना होइए, और जो लग रहा है कि जो पैसा लेकर भाग जाएगा ये करेगा, और कोई पत्रकार अगर पत्रकारिता करके उस बातों को एविडेंस के साथ, हाँ, प्रूफ के साथ रखता है, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, अगर कोई रख रहा है प्रूफ के साथ और लोग उसको कह रहा है कि नहीं इसको गलत है, गलत है, लेकिन ये तो सही है, अगर प्रूफ है आपके पास और हम ये दिखा रहे हैं कि ऐसा किया गया है तो फिर आप इसको गलत कैसे बोल सकते हैं, नकार ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल, अगर आप किए हैं तभी हुआ ऐसा, और सारे रिकॉर्ड को लड़का डाला है, उनके बाप का रिकॉर्डिंग है सारी चीजें, हालांकि एक चीज और सवाल यहाँ पे उठता है समझ कि अगर आयांश के पिताजी जो र्यूमर फैलाए कि वो 420 है 420 है पहले लड़का को, देखिए कहीं ना कहीं तो हमको भी ऐसा लग रहा है ये उनका दूसरा बेटा है, आयांश जो है उनका दूसरा बेटा था है, तो इससे पहले जब सवालात उठे जब र्यूमर फैला तो तब आके क्यों बोल रहे हैं कि मेरा एक पहले ही बेटा था इसी तरह की बीमारी से मर चुका है, पहले ही बोलना चाहिए था कि लोगों को दिल में और दिमाग में और थोड़ा सहानुभूति सहानुभूति आए कि हाँ भाई दूसरा बेटा है, पहला तो खो चुके हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो दाग में काला है, जो हम लोग पिछले वीडियो में कहे थे नो स्मोकिंग विदाउट फायर, बिना आग का कहीं धुआं नहीं होता, तो अगर धुआं लगा है तो कहीं ना कहीं आग जल रहा है, और याद रखिए उस आग को अभी तक जलने दीजिए, हम लोग बुझाने के लिए हैं, बुझाएंगे, वो अपना गए हैं वहां। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे समर, अगर जानकारी हो तो लोगों से शेयर करेंगे, अगर आयांश के पिताजी सरेंडर किए ठीक, तो कोर्ट कचहरी में जाने के लिए, थाने में जाने के लिए, क्या उसके रिश्तेदार नहीं था जो उसके साथ पत्रकार गया था? हाँ पत्रकार को मैं देखा वहाँ पे, देखा साथ में फोटो पत्रकार जी का भी है जो अभी समर्थन में खड़े हैं उनके, और पुलिस थाने में भी वही है,
तो लोग इसे क्या समझेंगे? लोग इसे यही समझेंगे कि पत्रकारिता जो हो रही है ना एकदम पक्ष में हो रही है, चाहे गलत रहे चाहे सही, उसको मिला के चला रहा है। हाँ तो समझ जाइए पत्रकार भाई, सावधान हो जाइए। हम अगर चड्डी किसी का खोल रहे हैं तो तुम्हारा भी खोल सकते हैं, ठीक है ना। और हमारा काम है किसी दलाल मीडिया के जरिए दलाली नहीं करना। पैसा कमाना अपना मानसिकता नहीं है, बहुत पैसा ऊपर वाले ने दिया है। तो अगर तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो बाबू, है ना। जिस दिन ले लेना बेटा 15 दिन कंटिन्यू ले लेंगे, याद रखना। गौतम का जवान है, अगर जा रहा है वहां दिखा रहा है, हालांकि रहने वाले कहां के हैं आयांश के पिताजी? पटना, बिहार के। वो जाके आत्मसमर्पण कहां किए हैं? रांची। रांची में क्या संबंध है कि उनको छोड़ने वहां कोई उनका रिश्तेदार नहीं गया? केस खत्म हो गया तब गए हैं। हाँ, केस तो सलट गया है। और पहले वो वीडियो में बोल चुके थे, वो पुराना मामला था, खत्म हो चुका। ऐसा कौन मामला है कि किसी प्रकार का कोर्ट का आदेश नहीं, थाने से किसी प्रकार का नोटिस नहीं, फिर भी और कहना है तो पुराना केस खुद से खुलवाएं? ऐसा थोड़ी ऐसा कौन करता है भाई, ऐसा नहीं होता है बिहार में या कोई भी कानून में। अगर कभी सुने होंगे, हम कभी देखिए, अगर हम कभी कोई गलती की के लिए अपना सजा ले लिए हैं तो फिर से हमको क्यों सजा मिलेगा? और लोग चाहता है होना मतलब कि सजा खत्म हो जाए। हाँ, और लोग चाहता है ना कि केस तो दबे। हाँ, और केस कर रही खोल दिए खुद से, ऐसा थोड़ी होता है ना। कहीं ना कहीं चाल है और चाल को बंद करो। जितना सपोर्ट हम लोग कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, हमारा एक कोई मकसद नहीं वीडियो बनाने का है कि मैं आयांश के खिलाफ में आके वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आयांश को और ज्यादा मदद मिल सके। हाँ, आखिर मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ लोगों से कि अगर उनके पिताजी गलत हैं तो गलत का सजा गलत होगा, है ना। उसका सजा आयांश को ना मिले। 7 करोड़ रुपया लोग एक जन्म में नहीं कमाता है, बिल्कुल नहीं कमाता, 1 करोड़ नहीं कमाता है, समझिए। मतलब मैं एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। 7 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आपके अमाउंट अकाउंट में गया है आयांश के मम्मी पापा, तो सावधान रहिए और एक्टिव रहिए, है ना, चीजों को। कि अगर 7 करोड़ लोग भेज सकते हैं तो उसका हिसाब भी ले सकते हैं। और मैं उन पत्रकारों को कहूंगा जो वहां से पत्रकारिता कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम बेटा हमारा भी रास्ता भटकाने का काम किए हो। हम मैं मुहिम चला रहा था, चला रहा था मैंने पहले चलाता आ रहा हूँ अश्लीलता को लेके, तो कहीं ना कहीं तुम कलाकार को मनोबल बढ़ाने का काम किए हो। कलाकार भी वहां गए उच्च नीचे बात करके अपना, है ना, अपना वो भी एक सहानुभूति लूटे दिखाए कि बहुत बढ़िया पॉपुलर होने का तरीका निकाले। कहीं ना कहीं तुम हमारे भी इस मुहिम को कमजोर किए हो बेटा, याद रखना। तो ये कहीं गया नहीं है, अगर सब कुछ हम सुन रहे हैं और बोल रहे हैं अमल कर रहे हैं तो यहाँ पर याद भी है, उसको भी जल्द हम दिखाएंगे। तुम अश्लील कलाकारों को वहां बुलाए हो तो 2 मिनट वीडियो बना लिए, जो 5,000 दिए, हमको पता है 5,000 कलाकार से ज्यादा औकात नहीं होता है। अश्लील कलाकारों की बात मैं कर रहा हूँ, 5-10 हजार दिए हैं उसका तुम वीडियो बनाए हो, और किस लिए बनाए, क्यों बनाए हो वो अगले एपिसोड में हम बताएंगे। लेकिन हम कहना और बताना चाहेंगे ये सब कार्यक्रम बंद करो ना तो डंगा हम जल्दी बजाएंगे, समझे, डंगा बहुत जल्द बजाएंगे। और जो हमारी बात मत करिए जी, हमारे जो मुहिम को रोकने का प्रयास किए हो तो कहीं ना कहीं कलाकार को बुला करके, जिसका हम विरोध कर रहे थे तुम अपना चैनल चमकाने के लिए, है ना, उसका 2 शब्द रखे हो। लेकिन वो कहां जो ब्रावो फाउंडेशन के पांडे जी ने 5 लाख रुपया दिए, कितना बार उसका वीडियो बनाया हो तुम? बनाया तो एक ही बार हो, दिखाए कितने बार हो। ये सवाल तुमसे पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय, जो दिन रात आयांश के घर पे सूत के बना रहे हो एपिसोड, कितना बार बनाए हो? 5 लाख रुपए का हिसाब नहीं मांगे हैं तुमसे, लेकिन उनका हमारा हिसाब चाहिए कि वीडियो कहां है वो, और कितना बार बनाए, कितना बार वीडियो में नाम लिए। चलो ये बात छोड़ देते हैं। एक मैं एपिसोड देखा था समार, कि एक ऑटो ड्राइवर 20,000 रुपए लेके आया था। बेचारे 2 महीने में 10,000 रुपए 20,000 रुपए कमाते होंगे ऑटो ड्राइवर, बिल्कुल। उसका वीडियो तुम कई बार बनाए, है ना, कहा कि उससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको लोग जानता नहीं है, तुम्हारे टीआरपी नहीं मिलेगा, ना पड़ेगा। तो बेटा टीआरपी के खेल अंदर कर देंगे, याद रखना ना, हमारा किसी से डर ना है, ये फिर से हम बोल रहे हैं, और किसी से भय भी नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष बातें रखते हैं, गलत रखेंगे लोग हमरो रेल देगा, है ना। तो मैं कहूंगा कि जो ऑफलाइन पैसा आ रहा है, जैसे ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियां चंदा करके ला रही है, या फिर आपके गांव घर से लोग इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल, मतलब पूरी तरीके से बोलते हैं चंदा ही, है ना, जो चंदा वाला पैसा है ऑफलाइन में जो चल के जाके लेके आ रहे हैं, उसका हिसाब कहाँ है? कहाँ है? आखिर जो हम लोग को ट्रांजेक्शन की जानकारी दी जा रही है वो ऑनलाइन बैंक के जरिए वाला मैसेज मिल रहा है, लेकिन ऑफलाइन पैसा आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? हम नहीं, हमारा परिवार पूछ रहा है, और आपको बताना पड़ेगा। मैं अश्लीलता को ताका पे रख दूंगा 15 दिन के लिए, याद रखना। मैं कल वीडियो नहीं लाया, देर लाया, उसका सिर्फ कारण था कि चीजों को खोज करना और बताना। तो आयांश के पापा गए हैं जेल पुराने केस में, मानता हूं, खुद से खुलवा कर गए हैं, मानता हूं, लेकिन खुद को एक पत्रकार से कहना कि हम तोरे जाति के हैं भाई, है ना, कहीं ना कहीं वो पत्रकार को लोभित किया जा रहा था, ये भी बोला जा रहा था ना कि आपको कल 12 बजे को बहुत बढ़िया न्यूज देते हैं कि आप पूरा इंडिया में टॉप कर जाओगे। समर को याद था, हमारा याद नहीं था। उन्होंने उस वॉइस में भी बोला है
कि मैं तुमको ऐसा न्यूज दूंगा कि पूरा बिहार में तुम्हारा चैनल चमक जाएगा। तो इसका मतलब धंधा कर रहे हैं ताकि वो लड़का उनका घर का जाया हुआ जो वीडियो था वो डिलीट कर सके, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं आप श्रीमान आलोक कर रहे हैं, आलोक जी आप क्या कर रहे हैं? क्या अयांश की जीवन बचाने के लिए चंदा सिर्फ यादवों के द्वारा आ रहा है, पूछते हैं हम। क्या उस पत्रकार को कुछ घूस देना चाह रहे थे, पूछते हैं हम। अगर नहीं तो जो चल रहा है बच्चे की, अगर जीवन बचती है तो भी सब लोग को सैल्यूट, अगर नहीं बचती है तो फिर मेरा बांस करना जारी रहेगा। जो अब तक के 20-1 लाख रुपया कमा चुके हैं सिर्फ इस मुहिम के जरिए, उसका भी पर्दाफाश हम बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि हम बातें करते हैं ना पक्ष ना विपक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो विदा लेना चाहेंगे और जाते जाते समर तुम क्या कहना चाहोगे ये अयांश के? एक बच्चे के जान से ना खेला जाए जातिवाद के रूप में जोड़ के, और बाकी जितना ज्यादा हो सके मदद कीजिए अयांश का, यही कहेंगे। मैं भी जाते जाते कहूंगा मदद कीजिए इनका। नमस्कार प्रणाम, हम गौतम, हमारे साथ समर बने हुए, नमस्कार।